ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस स्पाइडरमैन कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में मैं आप सभी को गाइस दिखाऊंगा, मतलब कि आपको दो तीन मतलब बैकग्राउंड दे दूंगा, आपको उनमें से जो उनसे ईजी लगे गाइस आप उस टाइप का आप यूज़ कर लेना। भाई गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैं इस वीडियो में आप सभी को गाइस इस बैकग्राउंड में फोटो एडिट करके दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस मैंने इसमें आप सभी के लिए जो है मतलब मॉडल का जो पहले से पैर जो है इसमें मैंने पहले से रख रखा है। बिकॉज गाइस जब आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आप इजीली आप अपने मॉडल को ऊपर गाइस यहाँ पे ऐड कर देना, बाकी वो जो भी होगा गाइस इसमें वो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो चलिए गाइस आपको ऐड कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो चलते गाइस जैसे हम ऐड फोटो में, एंड ऐसे गाइस हम ले लेते हैं अपने मॉडल का पीएनजी। एंड गाइस मॉडल का पीएनजी लेने के बाद आप सभी को गाइस क्या करना है, आप सभी को देखो गाइस मैंने भी इसमें पहले से ज़्यादा कट कर रखा है मॉडल को, ताकि यार आप सभी को मैं एकदम इजी स्टेप में समझा सकूं। तो इसके हम यहाँ पे पहले ओपेसिटी कम कर लेते हैं। एंड गाइस हम मॉडल को कुछ रखेंगे स्पाइडरमैन के जो हेड है उसके पास कुछ इस टाइप से, एंड देखेंगे कि जो हमारी जो फिंगर है मॉडल के वो वहाँ पे ऐड हो पा रही है कि नहीं। ठीक है तो हम इसकी ओपेसिटी फुल कर लेते हैं। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे ओपेसिटी कम करके देखेंगे इसके मॉडल के फिंगर्स आ गए कि नहीं आ गए। अब यहाँ पे हम हार्डनेस को फुल कर लेंगे रेजर के, एंड इसके बाद यहाँ से हम बाइक फटाफट से इसको रेज कर लेंगे। एंड गाइस जब अपने यहाँ पे आप अपने मॉडल का ऐड करोगे तो गाइस उसमें कुछ एरिया जो होंगे गाइस वो रह जाएंगे। तो गाइस उस एरिया को आपको क्या फील कैसे करना है गाइस वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो कैसे करना है गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ से आप सभी को सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आप सभी को यहाँ से पहले जाना पड़ेगा टूल्स में। टूल्स में जाएंगे गाइस, यहाँ से हम टूल्स में जाने के बाद आपको क्लोन वाले ऑप्शन में जाना है। क्लोन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है गाइस कुछ इस टाइप से, आपको पेंट को सिलेक्ट करना है कुछ इस टाइप से, फटाफट से पेंट कर लेना है जिससे गाइस ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है तो आप सभी को कुछ स्टेप से ही करना है, एकदम आराम आराम से करना अच्छे तरीके से। एंड गाइस अगर आप में से कोई भी भाई अगर चाहता हो इसके ऊपर अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊँ तो वो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। तो बाकी गाइस हमारे जो यहाँ पे मॉडल वगैरह लग चुके हैं तो अब हम अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ से लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को क्या करना, आप सभी को गाइस यहाँ पे सिंपली इसका जो लाइट वाला ऑप्शन जाके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, शेडो को जो होगा गाइस इसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस व्हाइट होगा इसको थोड़ा कम कर देना है, जो ब्लैक होगा इसको थोड़ा कम कर देना है। ठीक है फिर जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है आप सभी को, एंड जो इसका टेम्परेचर होगा उसको कम कर देना है। एंड गाइस जो कलर मिक्स में जाएंगे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे, एंड ल्यूमिनस बढ़ा देंगे अपने फेस के अकॉर्डिंग। फिर गाइस जाएंगे येलो कलर में, फिर येलो कलर में जाने का था फिर उसका सैचुरेशन माइनस कर देना, जाना डार्क ब्लू में। अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा फोटो में आपको तो भाई आप उसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो। फिर जाना आपको नीचे लाइट में फोटो जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा गाइस आपको वो डाल देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिला ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जाना नीचे लाइट में फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नोटिफिकेशन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे कलर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।